जय हिंद दोस्तों। राजस्थान के इतिहास की जो हमारी श्रृंखलाएं चल रही थी उसमें हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी लेना शुरू किया था। और इससे पहले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि मेवाड़ का जो इतिहास है, उस मेवाड़ के इतिहास में जो मेवाड़ पर जो शासन करते हैं गुहिल वंश, गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में, सिद्धांतों के बारे में हम जानकारी पहले वीडियो में ले चुके हैं। साथ ही ये देख चुके हैं कि इनके ध्वज पर क्या लिखा हुआ था और ध्वज के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। साथ ही कुल देवता और कुल देवी की भी चर्चा कर ली थी पहले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले जो वीडियो बनाया है मैंने वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने ये सिद्धांत, उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे, कुल देवता, कुल देवी, इनके बारे में, ध्वज के बारे में, ये संपूर्ण जानकारी मैं उस वीडियो में आपको दे चुका हूँ दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं कि मेवाड़ का जो ये है क्षेत्र है, मेवाड़ जो रियासत है, उस रियासत पर जो है कौन कौन सी राजधानियां रही थी, इस रियासत की कौन कौन सी राजधानियां रही थी, कौन सी राजधानी किस शासक ने बनाई थी, इन सभी की बातें हम आज इस वीडियो में करते हैं। तो मेवाड़ का इतिहास अपना चल रहा था, मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत का इतिहास हमने शुरू किया था, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मेवाड़ की जो है कौन कौन सी राजधानियां रही थी, राजधानियां कौन कौन सी रही थी इसकी। तो बात करते हैं पहली राजधानी की। तो पहली राजधानी जो है वो रही थी नागदा। नागदा जो है इसकी पहली राजधानी रही थी नागदा। और नागदा जो राजधानी है वह बनाते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल द्वारा नागदा को राजधानी बनाया जाता है। और इसके बाद में जब अल्लट शासक बनते हैं तो वह अहड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। रावल अल्लट अहड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। अल्लट अहड़ को राजधानी बनाते हैं। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ राजधानी बनती है जब जैत्र सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के जब जैत्र सिंह शासक बनते हैं तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया जाता है, जैत्र सिंह। इसके बाद में उदयपुर राजधानी बनती है, उदयपुर राजधानी बनती है उदय सिंह के टाइम में, जब उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वारा की जाती है 1559 में, जब उनके पोता होता है यानी कि अमर सिंह जब जन्मते हैं, महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं अमर सिंह, उनका जन्म होता है 1559 ईस्वी में। और 1559 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना करते हैं उदय सिंह। और उदय सिंह जब अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, तो उदय सिंह जो है यह उदयपुर अकबर को सौंप देते हैं और स्वयं क्या है कि गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और उसके बाद में इन्होंने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया था, गोगुंदा। तो गोगुंदा और उदयपुर जो राजधानी है वो उदय सिंह के टाइम में रही थी, उदयपुर नहीं, उदय सिंह के टाइम में, उदय सिंह के टाइम में राजधानी रही थी उदयपुर और गोगुंदा। इसके बाद में जब महाराणा प्रताप जब शासक बनते हैं तो वो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से अपना राजकार्य शुरू करते हैं, कुंभलगढ़ से। कहां से करते हैं? कुंभलगढ़ से। और कुंभलगढ़ को जब अकबर के नेतृत्व में शाहबाज खां के नेतृत्व में अभियान भेजा जाता है तो शाहबाज खां जो है कुंभलगढ़ को जीत लेते हैं। और इसके बाद में जब महाराणा प्रताप हैं वह अपनी राजधानी बनाते हैं चावंड को, चावंड को राजधानी बनाते हैं महाराणा प्रताप। इसके बाद में जब आपको पता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी को, इसके बाद में उनके उत्तराधिकारी अमर सिंह जो शासक बनते हैं, अमर सिंह जब शासक बनते हैं तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है चित्तौड़गढ़ को बनाया था। आपको पता होगा कि मुगल मेवाड़ जो संधि होती है उसमें चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इनको वापस सौंप दिया जाता है मेवाड़ के शासकों को। और अमर सिंह उस टाइम शासक थे और अमर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में राजधानी बनती है उदयपुर। उदयपुर मेवाड़ रियासत की अंतिम राजधानी थी, मेवाड़ रियासत की अंतिम राजधानी उदयपुर थी। उदयपुर के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है तो उस टाइम राजस्थान की राजधानी, मेवाड़ की जो राजधानी है वो उदयपुर ही थी। तो इस प्रकार हमने बात की कि मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, चित्तौड़गढ़
और उदयपुर। इस प्रकार मेवाड़ की जो है तीन तीन राजधानियां रही थी, तीन क्या नौ राजधानियां रही थी, सॉरी दोस्तों नौ राजधानियां रही थी। और मेवाड़ एक ऐसी रियासत है जिसकी सर्वाधिक राजधानियां रही थी। सर्वाधिक राजधानियों वाला जो रियासत है वो मेवाड़ रियासत ही है। मेवाड़ की नौ राजधानियां रही थी और अंतिम राजधानी उदयपुर थी। प्रथम राजधानी नागदा थी जो बप्पा रावल के समय बनाई जाती है। दूसरी राजधानी अलट अहाड़ बनाता है चित्तौड़गढ़ जेत्र सिंह, उसके बाद में उदय सिंह बनाते हैं उदयपुर और गोगुंदा को। प्रताप के टाइम में दो राजधानियां रही थी चावंड और दूसरी राजधानी कुंभलगढ़। पहले कुंभलगढ़ उसके बाद में चावंड रही थी। और जब अमर सिंह शासक बनते हैं तो राजधानी चित्तौड़गढ़ होती है और उसके बाद में उदयपुर अंतिम राजधानी बनती है। यह हो गई मेवाड़ रियासत की राजधानियों के बारे में। अब देखते हैं कि इतनी महान रियासत है, इस महान रियासत के जो शासक होते थे उनका कोई ना कोई राजतिलक तो करेगा ही भाई। इतने महान शासक हैं तो इनके राजतिलक या कोई भी जब शासक बनते हैं तो उनके राजतिलक तो करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता ही है। तो इनका जो राजतिलक है वो मेवाड़ में एक जगह पड़ती है ऊंदरी गांव। राजतिलक करते थे ऊंदरी गांव के भील। कौन करते थे दोस्तों? ऊंदरी गांव के भील जो हैं वो मेवाड़ रियासत के शासकों का राजतिलक अपने अंगूठे के रक्त से किया करते थे। यह हो गई बात इनके राजतिलक के बारे में। अब मोहनौत नैणसी जो है वह ये कहते हैं कि गुहिलों की कुल 24 शाखाएं थी। मोहनौत नैणसी या फिर नैणसी ये कहते हैं कि गुहिलों की जो थी 24 शाखाएं थी। इनमें से दो शाखा ऐसी थी जिसमें से एक का नाम था रावल शाखा और दूसरी शाखा का नाम था राणा शाखा। इन दो शाखाओं ने मेवाड़ पर जो है अपना शासन कार्य किया था। रावल शाखा और राणा शाखा ने मेवाड़ पर शासन किया था ऐसा बताते हैं मोहनौत नैणसी। और यह उनकी 24 शाखाओं के बारे में जानकारी देते हैं। 24 शाखाओं के बारे में जानकारी देते हैं, एक रावल शाखा और राणा शाखा। राणा शाखा जो राणा हमीर के शुरुआत की थी और इनको सिसोदिया वंश भी कह देते हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे कि इनको सिसोदिया क्यों कहा जाता है। अब यह बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मेवाड़ की जो रियासत है, इस रियासत के आदि पुरुष जिनको गुहिल कहा जाता है, गुहिल ये कैसे आते हैं, कैसे शासक बनते हैं, कौन इनके पिता थे और कहां से ये आए थे, तो इनके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले इनके पूर्वजों के बारे में देख लेते हैं कि जैसे एक विवसेन नाम के एक शासक का हमें उल्लेख मिलता है। विवसेन नाम के एक शासक का हमें उल्लेख मिलता है, जो कि ऐसा बताया जाता है, विवसवान नाम के एक शासक का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सूर्य के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति जो है सूर्य से हुई है, ये सूर्य के पुत्र बताए जाते थे। इनके पिता सूर्य को माना जाता था, विवसेन को। और जब विवसेन का वंश आगे बढ़ता है तो इन्हीं के वंश में एक शासक होते हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है दशरथ। दशरथ के बाद में दशरथ के वंशज होते हैं श्रीराम। और श्रीराम के आपको पता है दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। अब जब ये कुश होते हैं, इन कुश के 108वें वंशज थे। कुश के 108वें वंश में 108वें वंशज या इनके जो कालक्रम के बाद में 108वें जो शासक बनते हैं उन शासक का नाम था विजय भूप। 108वें वंशज थे जिनका नाम था विजय भूप। अब दोस्तों मैं यहाँ पर विजय भूप की बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है जो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं विजय भूप के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ। अब जब विजय भूप थे, विवसवान से लेकर विजय भूप तक के जो शासक थे इनकी जो राजधानी है वो राजधानी रही थी अयोध्या। रामायण में आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा। अयोध्या जो है इनकी राजधानी रहती है। अयोध्या जो है इनकी राजधानी रहती है। इनकी राजधानी कौन सी रहती है दोस्तों? अयोध्या रहती है। अयोध्या इनकी राजधानी। देखते हैं अब मैप में देख लेते हैं कि अयोध्या कहां पर है। जैसे ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है ऐसे, और गुजरात के नीचे ये अपना पश्चिमी दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत। अयोध्या जो है, अयोध्या यहां पर पड़ती है। अयोध्या
और अयोध्या के बाद में यहां पर पड़ती है एक वल्लभी, वल्लभी प्रांत था उस टाइम, वल्लभी प्रांत। अब जब विवसेन जो है ये शासक बनते हैं तो वल्लभी को अपनी राजधानी बना देते हैं, अयोध्या से राजधानी को परिवर्तन कर देते हैं, राजधानी परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन करके कहां पर ले आते हैं, वल्लभी प्रांत में ले आते हैं। ठीक है, अब जो विजयभूप हैं इनके जो छठे वंशज थे, छठवे वंशज तो जो थे, उन वंशज का नाम हमें देखने को मिलता है शिलादित्य। छठे वंशज बनते हैं शिलादित्य। अब जब शिलादित्य शासक बनते हैं तो वल्लभी प्रांत से अपना शासन कार्य शुरू करते हैं। अब शिलादित्य जो शासक बन गए उसके बाद में वे वल्लभी के शासक बनते हैं और वल्लभी से अपना शासन कार्य शुरू करते हैं। जब ये शासक बनते हैं तो इस टाइम अपने राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है जो आबू कहलाता है, आबू, माउंट आबू के क्षेत्र जो सिरोही के क्षेत्र में पाया जाता है, आबू क्षेत्र। आबू क्षेत्र पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो परमार शासकों का अधिकार था, यहाँ पर परमार शासकों का अधिकार था, यहाँ पर शासक कौन थे, परमार शासक। और परमार शासकों की एक राजकुमारी थी जिसका नाम हमें मिलता है पुष्पावती राजकुमारी। अब राजकुमारी का नाम था पुष्पावती, पुष्पावती। अब जब ये पुष्पावती के साथ इन शिलादित्य का विवाह हो जाता है पुष्पावती के साथ, तो पुष्पावती और शिलादित्य के क्या है कि 6 पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। इनके एक भी पुत्र नहीं था और 6 पुत्रियां हो जाती हैं, 6 पुत्रियां होती हैं लेकिन पुत्र नहीं था, पुत्र एक भी नहीं था। ऐसे में जब इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो शिलादित्य अपने मायके यानी कि आबू क्षेत्र में जहां पर अबूर्धा माता का मंदिर है वहां पर आती हैं। यहां पर एक अबूर्धा माता का मंदिर है, अबूर्धा माता मंदिर। मंदिरों का जब अध्याय हम पढ़ेंगे तो अबूर्धा माता मंदिर और अन्य सारे मंदिरों के बारे में हम देखेंगे कि ये मंदिर क्या था, इसकी क्या विशेषता थी, इनके बारे में मंदिरों वाले टॉप जो विषय होगा उसमें जानकारी लेंगे। दोस्तों यहां पर आप इतना याद रखिए कि अबूर्धा माता का जो मंदिर है वो आबू क्षेत्र में पड़ता है और इनके जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो पुष्पावती पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए अबूर्धा माता के मंदिर में आती है। अब जब ये अबूर्धा माता के मंदिर में आती हैं तो शिलादित्य जो कि शासक है वल्लभी प्रांत के, वल्लभी प्रांत के जो शासक हैं शिलादित्य, उन पर हो जाता है अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण हो जाता है, अरबों का आक्रमण जो है वो शिलादित्य पर हो जाता है। अब इसमें शिलादित्य लड़ते हुए मारे जाते हैं और उनके वल्लभी प्रांत को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है यानी कि नष्ट कर दिया जाता है। अब जब पता चलता है पुष्पावती को कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है तब राजस्थान में हमारे एक यहाँ पर प्रथा चलती थी जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। और जब इनको पता चलता है कि इनके पुत्र, इनके पति यानी कि पुष्पावती के पति यानी कि शिलादित्य की जो मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु होने के बाद में स्त्री को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सती होना पड़ता था या आग का वरण उनको करना पड़ता था, जीते जी वो आग में कूदकर अपने देह का त्याग कर देती थी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। यह महिलाओं में एक गौरवपूर्ण बात मानी जाती थी लेकिन दोस्तों थी तो एक कुरीति ही। इसके बारे में जब अंग्रेज आते हैं तो इसके सती प्रथा विरोध के विषय में बहुत सारा आंदोलन चलता है और सती प्रथा को अंततः बंद कर दिया जाता है वर्तमान में जो नहीं होता है अभी। तो एक सती होना होता था। दूसरी बात यह कि अगर स्त्री जो है अपने मायके में है, अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई है, अगर वो मायके में है तो उसे पति की मृत्यु के बाद मायके में नहीं रहना होता था, उसे अपना पिता का घर छोड़ना होता था। ये जो आबू का क्षेत्र है यह है पुष्पावती का क्या था, मायका था यानी कि पिता का घर था, पिता का घर था ना, पिता का घर था। अब पुष्पावती को यह घर छोड़ना था क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, शिलादित्य मारे जा चुके थे। और एक बात यह भी थी क्योंकि इस टाइम जो है शिलादित्य की जब मृत्यु हुई थी तो ये पुष्पावती जो है वो गर्भवती थी। अब गर्भवती जो भी स्त्री होती थी वह सती नहीं हो सकती थी क्योंकि उसे जब उसको जब पुत्र या जो भी उसे संतान की प्राप्ति होती है, जब संतान उसे हो जाती है तो उसके बाद ही उसे सती होना होता है। अब पुष्पावती करती क्या बेचारी, क्योंकि उसको पिता के घर तो रहना नहीं था, वल्लभी वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वहां पर अरबों का आक्रमण हो रखा था, अरब अरब अगर वो वहां पर जाती तो अरब उसे मार देते, इस प्रकार गुहिलों का शासन ही समाप्त हो जाता।
तो वो यहां पर एक बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे नाम मिलता है वीर नगर। वीर नगर एक क्षेत्र जगह का नाम है जहां पर एक ब्राह्मणी रहा करती थी जिसका नाम हमें मिलता है कमलावती। कमलावती ये थी ब्राह्मणी दोस्तों, ये थी ब्राह्मणी, इनके कोई संतान नहीं थी। अब जब वह कमलावती के पास रहती हैं तो वह एक पुत्र को जन्म देती हैं, और वह जो कमलावती के पास रहती हैं पुष्पावती, और एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिसके बाद में जो पुष्पावती हैं वो तो इनके जन्म के 7 दिनों के बाद में सती हो जाती हैं दोस्तों, और कमलावती जो है वो उस पुत्र का लालन पालन करती हैं। ये पुष्पावती इनके जन्म के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद सती हो जाती है और लालन पालन करने का काम करता है, लालन पालन का काम करता है कमलावती। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार जो गुहिल है, अब पता चलेगा कि आपको कि ये जो गुहिल है इनका नाम गुहिल ही क्यों पड़ा था। अब यहां पर अरबों का आक्रमण हो रखा था और कमलावती को किसी भी हालत में, ये जो बच्चा था जो कमलावती का पुत्र था, उस पुत्र को किसी भी हालत में बचाना था, तो वो इस पुत्र को बचाने के लिए करती क्या है कि ये जो बालक अभी जो जन्मा है पुष्पावती के, उस पुत्र को एक गुफा में रखती है, गुफा में। और आपको पता होगा कि हिंदी में गुफा को गुहा कहा जाता है, गुहा, और इसीलिए नाम पड़ा था गुहिल, गुहा के नाम पर ही नाम पड़ा था गुहिल। अब होगी बात गुहिल के बारे में कि गुहिल के पिता कौन थे, गुहिल की माता कौन थी, इसमें आपको दोस्तों ऐसे पता नहीं चलेगा, एक बार लिख लेते हैं कि गुहिल के बारे में क्या क्या थे, कौन इनकी माता पिता थे वो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गुहिल जिनको मेवाड़ का मूल पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, या फिर संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष या संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनके पिता का नाम शिलादित्य था। क्या नाम था? शिलादित्य। और शिलादित्य कहां के शासक थे? वल्लभी प्रांत के, वल्लभी प्रांत के शासक शिलादित्य के पुत्र थे गुहिल, वल्लभी प्रांत के ये शासक थे। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था पुष्पावती, पुष्पावती। और पुष्पावती कहां की थी? आबू के परमार शासकों की एक राजकुमारी थी, परमार राजकुमारी, आबू की परमार राजकुमारी। और इनका लालन पालन किसने किया था? लालन पालन जो है वो किया था कमलावती ने, जो कि ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी। ये बात हो गई गुहिल के बारे में। अब गुहिल के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम था भोज। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ये शिलादित्य हो गई और शिलादित्य के बाद में शासक बनते हैं गुहिल, गुहिल के बाद में राजा भोज, और राजा भोज के बाद में शासक बनते हैं नागा या नागादित्य के बाद में शासक बनते हैं महेंद्र प्रथम, और महेंद्र प्रथम के बाद में शासक बनते हैं अपराजित, और अपराजित के बाद में शासक बनते हैं शिलादित्य, शिलादित्य। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं शिलादित्य, और शिलादित्य के बाद में शासक बनते हैं महेंद्र सेकंड। एक महेंद्र फर्स्ट पहले आ चुके हैं और महेंद्र सेकंड अब आए हैं, और एक शिलादित्य जो कि गुहिल के पिता थे वो दूसरे हैं, और एक यहां शिलादित्य दूसरे हैं। अब देखिए दोस्तों शासक कौन बनते हैं? विभसवान के वंश में दशरथ के पुत्र थे राम, राम के 2 पुत्र हुए थे लव और कुश, लव कुश के 8वें वंशज थे विजयभूप के 8वें वंशज थे शिलादित्य के बाद में गुहिल के बाद में भोज के बाद में शासक बनते हैं नागादित्य, उसके बाद में महेंद्र प्रथम, और उसके बाद में अपराजित के बाद में शिलादित्य, वो शिलादित्य दूसरे हैं, ये शिलादित्य दूसरे हैं, और महेंद्र
सेकंड, यहां पर महेंद्र सेकंड जो है, जब शिलादित्य जो है वो शासन जब प्राप्त करते हैं तो भीलों की सहायता से प्राप्त करते हैं। जब शिलादित्य शासक बनते हैं, गुहिल जब शासक बनते हैं तो उनकी सहायता की थी भीलों ने। भील जब गुहिल की सहायता करते हैं तो गुहिल ने कहा था कि मेवाड़ की गद्दी पर जो भी शासक बनने बैठेगा वो भीलों से कभी भी कर नहीं लेगा, कर नहीं लेगा। अब गुहिल के बाद में, गुहिल जब बनता है शासक तो उसके बाद में ये कह देता है कि मेवाड़ के शासक जब भी कोई भी बनेगा वो भीलों से कभी भी कर नहीं लेगा। ये सभी शासक तो कर नहीं लेते हैं, पर जब महेंद्र सेकंड जब शासक बनता है तो ये कर लेना शुरू कर देता है, भीलों से कर लेना शुरू कर देता है। अब जब भीलों से ये कर लेता है तो भील इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और अंततः महेंद्रादित्य जो है वो मारे जाते हैं। भीलों ने महेंद्रादित्य की है हत्या कर दी थी। तभी आपने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा होगा कि जो बप्पा रावल हैं वह गायें चराते हैं, किसकी? हारित ऋषि की गायें चराते हैं। तो आप ऐसे अगर सोचोगे कि अगर मेवाड़ के जो शासक थे महेंद्रादित्य जो थे वो मेवाड़ के शासक हैं और उनका पुत्र गायें चराते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे दोस्तों कारण यह है कि जब बप्पा रावल इनके बारे में देखते हैं कि ये गायें क्यों चराते थे। तो आपको पता चल गया कि महेंद्र जो थे ये भीलों से कर लेते हैं और भीलों ने इनको मार दिया था। अब भील जो थे वो बप्पा रावल को भी उस टाइम मारना चाहते थे, तो भीलों से बचने के लिए ये जो बप्पा रावल हैं, इनका काल लिख लीजिए 734 से 753। काल हमेशा शासन बनने का होता है ना कि जन्म का। जब ये मेवाड़ के शासक बनते हैं या चित्तौड़ के जब शासक बनते हैं वह काल है 734 से 753 तक, ठीक है। ये भीलों से बचकर, यहां पर भीलों का आक्रमण हो रखा है, महेंद्रादित्य मारे जा चुके हैं और बप्पा रावल हारित ऋषि के पास जाकर छुप कर गायें चराते हैं। हारित ऋषि की गायें चराते हैं भीलों से बचने के लिए, भीलों से बचने के लिए हारित ऋषि की गायें चराते हैं, गायें चराते हैं हरित ऋषि की। जब गायें चराते हैं और जब ये शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो मेवाड़ के शासक बनने के बाद में ये मेवाड़ में दो तरह के मंदिर बनाते हैं। एक तो नागदा उदयपुर में बनाते हैं और जो कि सास बहू का मंदिर कहलाता है। ये नागदा में एक मंदिर बनाते हैं जिसे सास बहू का मंदिर कहते हैं, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर जो कि नागदा उदयपुर में है, उसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था और हरित ऋषि की गायें चराते हैं बप्पा रावल, उसके बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और एक और मंदिर का निर्माण करवाते हैं जिसे कहा जाता है एकलिंग नाथ जी मंदिर। अब जब ये एकलिंग नाथ जी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं तो एकलिंग नाथ जी के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि एकलिंग नाथ जी जो थे वो कौन थे और मेवाड़ रियासत के जो ये थे कुल देवता थे, इसके विषय में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। वो आप वीडियो जरूर देखना ये वीडियो खत्म होने के बाद में, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जब एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है वो बनाते हैं बप्पा रावल, और बप्पा रावल ये मंदिर बनाते हैं कैलाशपुरी पड़ती है उदयपुर में, कैलाशपुरी नामक जगह पर जो उदयपुर में पड़ती है वहां पर ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिस मंदिर का नाम है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। अब इस मंदिर के विषय में ऐसी बात आती है दोस्तों कि जब हारित ऋषि गायें चराते थे तो एक गाय हमेशा एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी, और उस जगह पर जो गाय जाकर खड़ी होती थी तो उस गाय का दूध जो है अपने आप निकलना शुरू हो जाता था। जब उस स्थान की खुदाई की गई या फिर उस स्थान के बारे में जब जानकारी ली गई या उस स्थान को जब खोदा गया तो देखा गया कि वहां पर एक शिवलिंग निकलता है। उसी शिवलिंग के स्थान पर ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है वो बप्पा रावल के द्वारा बना दिया जाता है। बप्पा रावल ने शिवलिंग के स्थान पर निर्माण करवाया था। और ये जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है ये पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है जो कि राजस्थान का एकमात्र पाशुपत संप्रदाय के मंदिर है जिससे पाशुपत संप्रदाय के जो
पासुपत संप्रदाय जो है वो लकुलिश जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई अब बप्पा रावल के बारे में, और बप्पा रावल किसके पुत्र थे इसके बारे में भी लिख लीजिए कि पुत्र थे महेंद्र सेकंड के, महेंद्र सेकंड के ये पुत्र थे। और इसके बाद में जब बप्पा रावल शासक बन गए, अब हारित ऋषि की गायें चराते थे हारित ऋषि के आशीर्वाद से। अब जब बप्पा रावल गायें चरा रहे थे तो उस टाइम पर मेवाड़ पर आक्रमण होता है अरबों का, मेवाड़ का जो क्षेत्र है यहां पर अरबों का आक्रमण होता है, और उस अरबों के आक्रमण का जो नेतृत्व है वो किया था जुनेद ने। इसके बाद में बप्पा रावल इस जुनेद को और अरबों को हराने के बाद में जो है अब शासक बनेंगे बप्पा रावल। और जब जुनेद आता है तो इसको हराते हैं, जब इसको हराते हैं तो ये जो हारित ऋषि है ये इसको उपाधि देते हैं बप्पा रावल, बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। मूलतः इनका नाम काल भोज था, काल भोज इनका मूल नाम काल भोज था, और हारित ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। अब ये शासक बनने के बारे में ऐसी जानकारी ऐसे मिलते, ये यहां से नीचे से रब कर दूं, सात सौ चौंतीस ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर ये अधिकार कर लेते हैं। अब जो ये चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ जो है इसका निर्माण करवाया गया था चित्रांग मौर्य द्वारा, चित्रांगद मौर्य द्वारा, चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण तीसरी शताब्दी में करवाया गया था, तीसरी सदी में करवाया गया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेवाड़ में गुहिलों की स्थापना के काफी समय पूर्व ही बनाया जा चुका था। इसका निर्माण जो गुहिलों ने नहीं किया था, इसका निर्माण जो है मौर्य शासकों ने किया था। अब चित्रांग मौर्य के ही एक वंशज थे जिनका नाम मिलता है मान मौरी। अब बप्पा रावल जब चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं तो उस टाइम पर मान मौरी यहां के शासक होते हैं दोस्तों।